सुजुकी बर्बन स्टेट के मैनेजेबल परफॉर्मेंस, राइडिंग कंफर्ट और आए दिनों में फीचर्स ने इसे एक ऑलराउंडर पैकेज बना दिया है। और अब हाल ही में सुजुकी ने इसे एक 12 इंच रियर व्हील के साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दिए हैं। तो क्या ये नया सुजुकी बर्बन ईएक्स आज भी वैसा ही ऑलराउंडर कहलाएगा? पता करेंगे इसकी खूबियों और खामियों को आजमा कर, पर उसके पहले आप जानते ही होंगे। सुजुकी बर्बन स्ट्रीट के स्टाइलिश और मस्कुलर लुक्स तो हमें पहले से ही पसंद थे, लेकिन इसके छोटे रियर व्हील को देख के लगता था कि किसी हटे खटे आदमी के पैर एकदम एक छोटे बच्चे की तरह हो। यहाँ पे ही इसका बड़ा रियर व्हील ज्यादा अच्छे से मैच करता है। और माना बड़े रियर व्हील के वजह से इसका राइडिंग पोजिशन अब थोड़ा और अपराइट और ऊंचा हो गया है, लेकिन इसका असर इसके सीट हाइट पे नहीं पड़ा है, जो आज भी ज्यादातर राइडर्स के लिए एक्सेसिबल होगा। बर्बन स्ट्रीट ऑलरेडी अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंसी दे रहा था, पर बर्बन ईएक्स में सुजुकी ने इसके इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम को लगभग परफेक्ट बना दिया है। इस वजह से सिटी राइडिंग के दौरान हमें करीबन 62 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी मिली, जो पिछले वर्जन से करीब 6 किलोमीटर पर लीटर ज्यादा है। सुजुकी के 125cc इंजन जो हमने बर्गमन के साथ एक्सेस और एवनिस में भी देखा था, उसकी एक खासियत है कि कंप्यूटर फोकस होने के बावजूद जरूरत पड़ने पे ये स्पोर्टी राइडिंग फील भी बड़ी आसानी से दे सकती थी, लेकिन बर्बन ईएक्स को चला के हमें ऐसा नहीं लगा। अब माना स्पेसिफिकेशंस को देखें तो पावर सिर्फ 0.1 पीएस से कम हुआ है, और टेस्टिंग के दौरान इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस PS6 वर्जन के लगभग बराबर है, लेकिन इसमें अब पहले की तरह वो चटक नहीं है, जिसका असर सिटी राइडिंग नहीं बल्कि हाई स्पीड में भी समझ आता है। नए बर्बन ईएक्स के ठंडे इंजन के साथ इसके राइड क्वालिटी पे अगला बुरा असर पड़ा है। अब बड़े रियर व्हील के वजह से इसके रियर सस्पेंशन को बदलना पड़ा, लेकिन इसका ओवरऑल राइड क्वालिटी पिछले वर्जन की तरह कंफर्टेबल नहीं बल्कि काफी स्टिफ हो चुका है, जिसका मतलब है कि राह चलते हुए हर एक छोटे बड़े बम्प का झटका सीधा राइडर तक पहुंचाता है। साथ में इसका सीट भी काफी सॉफ्ट है, जिसमें राइडर बड़ी आसानी से धस जाएंगे, तो लॉन्ग राइड्स के समय राइडर को बार बार अपना सीटिंग पोजीशन एडजस्ट करते रहना पड़ेगा, जो एक हद के बाद काफी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। सुजुकी बर्बन स्ट्रीट ईएक्स को बेशक जरूरी अपडेट्स मिले हैं, पर इसके साथ इसमें अब कुछ नई खामियां भी आ गई हैं, और इन सब के बावजूद इसकी कीमत पिछले वर्जन के टॉप राइड कनेक्ट वेरिएंट से करीब 19,000 रुपए ज्यादा है। और इन फैक्ट वेस्पा VX 125 जैसे प्रीमियम इटालियन स्कूटर्स के प्राइस रेंज पे भी दस्तक देता है, और तो और इसकी कीमत TVS iQube S और ओला S1 जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर से भी ज्यादा ही है। तो इन सबको देख के बर्बन EX को कम ही लोग चुनेंगे। आफ्टर ऑल, अगर आपको एक स्पोर्टी स्कूटर चाहिए तो आप TVS Ntorq Race XP के साथ ज्यादा खुश रहेंगे, और अगर आपका ज्यादातर राइडिंग सिटी में ही होगा तो आप ओला S1 या TVS iQube S जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर, या इनफैक्ट अपना थोड़ा बजट बढ़ा के और थोड़े से वक्त रुक के TVS iQube के टॉप ST वेरिएंट को भी चुन सकते हैं। अंत में आप किस स्कूटर को चुनेंगे, या आप अपना बजट हल्का सा एक्सटेंड करके बजाज पल्सर P150 या TVS अपाची RTR 160 जैसे बाइक को ही खरीद लेंगे? अपना रेस्पॉन्स कमेंट्स में जरूर लिखिए। साथ में हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हर तरह की जानकारी हिंदी में जानने के लिए बाइक देखो को सब्सक्राइब करना, और वो छोटे से बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और इंटरेस्टिंग टू व्हीलर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए बाइक देखो।